दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा वीरेंद्र सहवाग 7 तक लगाने के बाद भी भारत की हारने की दुआ क्यों मांग रहे थे। क्या बोला तूने? दोस्तों, इस वीडियो में आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग जानेंगे। आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। अभी मजा आएगा ना वीडियो। दोस्तों, साल था 2009, दिन था 15 दिसंबर। उस दिन भारत और श्रीलंका के बीच में वनडे मैच होना था। श्रीलंका टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का डिसाइड करता है। भारत का ओपनर वीरेंद्र सहवाग और सचिन तेंदुलकर भारत को एक अच्छी शुरुआत देते हैं। दोनों मिलकर 19 ओवर में 150 रन बना देते हैं। भारत का पहला विकेट गिरता है 20 ओवर में। सचिन तेंदुलकर 63 गेंदों में 69 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं एम एस धोनी और वीरेंद्र सहवाग मिलकर सिर्फ 96 गेंदों में 156 रन बना देते हैं। सहवाग 102 गेंदों में 142 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। एम एस धोनी अच्छा खेलते हुए भारत का स्कोर 50 ओवर में 7 विकेट खोकर 414 रन तक पहुंचा देते हैं। 414 रन का विशाल लक्ष्य को पीछा करने उतरी श्रीलंका टीम का शुरुआत अच्छी रहती है। दोनों ओपनर उपुल थरंगा और दिलशान ने सिर्फ 24 ओवर में 188 रन बना देते हैं। दिलशान सिर्फ 73 गेंदों में अपना शतक पूरा करते हैं। श्रीलंका का पहला विकेट गिरने के बाद तीसरे नंबर पर बैटिंग करने के लिए आते हैं संगकारा। संगकारा आते ही मैदान के चारों तरफ चौके और छक्के की बारिश कर देते हैं। संगकारा सिर्फ 24 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करते हैं। संगकारा आउट होने के बाद श्रीलंका का विकेट एक के बाद एक गिरता ही जाता है। आखिरी ओवर में श्रीलंका को जीतने के लिए 11 रन चाहिए था। क्रीज पर मौजूद थे मैथ्यूज और कुलशेखरा। आशीष नेहरा अच्छा बॉलिंग करते हुए मैथ्यूज को आउट कर देते हैं और 11 रन भी डिफेंड कर लेते हैं। दोस्तों, इस तरह से भारत एक रोमांचक मैच जीत जाता है। दोस्तों, बाद में मैन ऑफ द मैच चुने गए वीरेंद्र सहवाग रवि शास्त्री के साथ बात करते हुए कहते हैं वो भारत की हारने की दुआ मांगते थे, क्योंकि उनका मानना था जब वो भारत को सपोर्ट करते थे भारत हार जाता था, इसलिए वो भारत की हारने की दुआ मांगते थे ताकि भारत जीत जाए। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग जैसा सोचे थे वैसा ही होता है। वीरेंद्र सहवाग श्रीलंका को सपोर्ट करते हैं और श्रीलंका हार जाती है। दोस्तों, वीरेंद्र सहवाग का अंधविश्वास फिर से सही साबित हो जाता है। दोस्तों, क्या आप भी इस प्रकार सोचते हैं? अगर आप इस प्रकार सोचते हैं तो आप मुझे जरूर बता सकते हैं। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। इंटरेस्टिंग वीडियो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।